बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे कि इथेरियम जो है वो बिनांस से ट्रस्ट वैलेट में किस तरह ट्रांसफ़र किया जाए, डिपॉजिट किया जाता है। ये एक एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, लेकिन आप लोगों को बताने के लिए मैं इसको कर रहा हूँ। हम सबसे पहले जाएंगे इधर वैलेट पे। वैलेट पे जाने के बाद ये हमारे पास एक विंडो खुल गई है। अभी हम इसको विड्रा पे क्लिक करते हैं। विड्रा पे क्लिक करने के बाद इधर BTC लिखा है, इधर हम इथेरियम कर लेते हैं। इथेरियम हमने इसको कर दिया, क्योंकि ये ERC-20 नेटवर्क का है, तो और ये एक कॉस्टली एक्सपेंसिव नेटवर्क है जिसकी फीस बहुत ज़्यादा पड़ती है। अगर आप इसको बिनांस के ऊपर हैंडल करते हैं या ट्रस्ट वैलेट में इसको कई सेल परचेज करते हैं। अब हम इधर से इसके ले लेते हैं एड्रेस। इथेरियम पे क्लिक करेंगे और रिसीव के ऊपर क्लिक करते हैं। ये हमारे सामने उसका एक मोनोग्राम आ गया, QR कोड हमने कॉपी कर ली है। कॉपी आप तसल्ली से करें और इसकी कुछ फिगर उधर जाके आपने दोबारा भी टैली करनी है, ताकि आपका फंड जो है कहीं गलत ना चला जाए। हम दोबारा बिनांस को खोलते हैं। यहाँ पे हम इसके जो की हुई कॉपी एड्रेस है उसको पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद अब हम फिर ERC-20 यहाँ कर लेते हैं। इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब हम नीचे और ऊपर एक दफ़ा उसको आप वेरीफाई कर लें, तसल्ली कर लें कि एड्रेस आपने वही है जो उधर से उठाई हुई है। और यहाँ पे हम इसके अमाउंट कितना हमने ट्रांसफ़र करना है, उधर डिपॉजिट करना है ट्रस्ट वैलेट में, तो हम मैक्सिमम पे क्लिक करते हैं। मैक्सिमम पे क्लिक करने के बाद अब हमारे पास विड्रा का वो आ गया, और जो अमाउंट हमारे पास उधर आएगी वो 0.0189, जो कि बहुत कम है। अभी हम आपको उधर दिखाते हैं कि ये कितना होगा। एक दफ़ा फिर एड्रेस को वेरीफाई कर लें और उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करें। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे दो कोड जो मोबाइल और ईमेल एड्रेस पे आपको सेंड होंगे वो हमने कर दिए हैं। इस चीज़ में आप एहतियात करें कि अगर ये आपने नहीं करनी है, तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और इसमें आपको चार्जेस बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। मोबाइल पे मेरे पास कोड आ चुके हैं, तो हम उसको एंटर कर लेते हैं। ये मोबाइल कोड एंटर हो गया है, और इसके बाद अभी ईमेल पे जो कोड आया होगा वो हम ईमेल से लेके यहाँ पे एंटर करेंगे। ईमेल वाला कोड भी हमारे पास आ चुका है, और मैं मोबाइल से उसको अभी कर लेता हूँ। वहाँ हम उसको उसके आने में क्लिक करते हैं, और ये कोड हमने एंटर कर दिया है। अब हम जाएंगे गूगल ऑथेंटिकेशन के ऊपर, वहाँ वाला कोड हम मोबाइल से ले लेते हैं। जब ये तीनों कोड हो जाते हैं, तो उसके बाद ये अभी सबमिट का हमारे पास हो गया, और हमने इसको सबमिट कर दिया, और कंप्लीट पे भी हम क्लिक कर देते हैं। कंप्लीट अभी ये प्रोसेस में चला गया। इस पे कुछ थोड़ी देर तक 3-4 मिनट टाइम लगता है। ये प्रोसेस आप जिस तरह देख सकते हैं, जो इथेरियम हम इधर से ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो फ़िलहाल प्रोसेस में है। तो हम जाके अभी ट्रस्ट वैलेट को खोलते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये रिसीव होंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं ये अभी ज़ीरो है। कुछ देर में हमें रिसीव हो जाएंगे, और ये हमें रिसीव हो चुके हैं। आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि हमने 20,000 का $106 ख़रीदे थे, और अभी 13,712 रुपये जो है ना वो इधर ट्रांसफ़र हुए इथेरियम के उसमें। तो तकरीबन उन्होंने जो काटे हैं वो 5,000 समथिंग जो है ना उसकी फीस चार्ज हुए हैं, जो कि यकीनन एक बहुत एक्सपेंसिव हुआ है। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को भी हल्का सा पुश कीजिए।
थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।